अंतस ध्यान की प्रक्रिया में डूबे रहना। लगातार भीतर की यात्रा पर रहना, भीतर की राह पर रहना। गंगा किनारे, गंगा घाट पर लगातार मन के स्नान में उतरना, अंतस स्नान में उतरना। सीधे स्वस्थ बैठना, सिट वेरी कंफर्टेबली विद योर बैक स्ट्रेट एंड वॉच इनसाइड, सिंपली वॉच, नॉट टू इंडल्ज इन एनी थॉट, सिंपली वॉच। केवल देखते रहना, साक्षी दृष्टा होकर कि भीतर की राह पर जागे जागे रहना। अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड हो जाना, अपने शिव नेत्र से कनेक्टेड हो जाना। अपना कनेक्शन अपनी थर्ड आई में, अपनी सुरती द्वार पर, अपने शिव नेत्र पर रखना। अपनी एग्जिस्टेंस के साथ, अपने अस्तित्व के साथ, अपने स्वभाव के अंतर्गत होकर के तुम भीतर के आकाश को बहुत अच्छी तरह जगमगा लेना, अपने अंधेरे दूर कर लेना, अपनी इम्प्रूवमेंट करना, अपना सुधार कर लेना। माँ गंगा की अंतर्गत होने से पहले तुम उसके योग्य हो जाना, उसके लायक हो जाना। तुम भीतर का अंधेरा दूर करके अपनी सुरती को जगमगाने के लिए सदैव तत्पर रहना, अपनी ओर जागे रहना। मेडिटेशन के प्रोसेस में कुछ करना नहीं, केवल जागे जागे देखते रहना है। केवल अपनी सुरती में तैनात रहना है, आप भीतर के प्रहरी होकर के अपने आप को बहुत अच्छी तरह से जान लेना है। अपनी पहचान, अपनी जानकारी, अपने से मिलन की ये घड़ियां आप सबके जीवन को फलित करती चली जाएं। लगातार देखते रहना भीतर की ओर जागे जागे, माइंड की एक्टिविटी को, मन के तमाम प्रकार के कार्यकलाप को देखते रहना। कहीं दखल नहीं देना, केवल देखना। जितना अधिक तुम मन से हटते चले आओगे, हार्दिक होते जाओगे, उतना अधिक तुम भीतर के स्नान में, भीतर की ठंडक में, भीतर की शीतलता में आनंद लोगे। पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः वापस लौटना अपने स्वभाव में। ये वापसी तुम्हें दिन प्रतिदिन विराट के अंतर्गत करती चली जाएगी। आपका स्वभाव, हम सबका स्वभाव है विराट में, वर्तमान में रहना। अपना निवास नहीं छोड़ना चाहिए, वही बहुत सुखमय होता है। अपने निवास से दूर कितना भी चले जाए, वह सुखमय नहीं होता, वहां कोई सुखी नहीं हुआ। सदैव सुख और स्वास्थ्य की महान जगमगाती हुई दीपिका तुम्हें अपने स्वभाव में नसीब होती है। जागे जागे रहना, पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः अपना अस्तित्व, अपनी एग्जिस्टेंस में उतरना, अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड होते चले जाना। ये कनेक्शन बार बार टूटता है, तुम बार बार निर्मित करना, बार बार अपने स्रोत से जुड़े 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 रहना। डायरेक्ट वॉचिंग प्रोसेस इज कॉल्ड मेडिटेशन। इट्स नॉट ए कंसंट्रेशन, इट्स ए मेडिटेशन इन रियल सेंस। ध्यान का ध्यान रखना कहीं खंडित ना हो, लगातार भीतर की ओर जागे जागे रहना।
सीधा सीधा देखना अपनी ओर। हम सबके पास भीतर देखने की आंख है, उसका पूरा उपयोग करें। डायरेक्ट वॉच करें, सीधा सीधा डायरेक्ट देखना, कोई जोर नहीं लगाना, जबरदस्ती नहीं देखना, कोई प्रेशर ना पड़े। तुम बहुत स्वाभाविक रूप से रहना और स्वाभाविक रूप से ही देखते चले जाना, तनिक मात्र भी कोशिश नहीं करना देखने की। जो जो हो रहा है उसी को देखना, स्वतः हो रहा है उसी को पल प्रतिपल देखते रहना। माइंड के प्रति जागे जागे जितना अधिक रहोगे उतना अपने आप में सिमटते चले जाओगी, उतना अपने आप में स्थित होते चले जाओगी, उतना ही तुम्हें अपनी पहचान, अपनी जानकारी, अपना अनुभव होने लगेगा। यू आर नॉट ए माइंड, यू आर ए सीर ऑफ इट। रियलाइज इट, रिमेंबर इट, इट्स मेडिटेशन। मन को मारना नहीं, मन को सुप्रेस नहीं करना, माइंड को सुप्रेस नहीं करना। सुप्रेशन इज सिन। माइंड से हटना है। माइंड अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं रखता, ये तो आपका जुड़ाव उसके साथ ही उसको तमाम प्रकार की एनर्जी, ऊर्जा, पावर, प्रकाश प्रदान करता है, तभी वो एक्टिवेट होता है, वरना वो अपने आप में जड़ है। उस जड़ तत्व को अधिक महत्व नहीं देना, आप स्वयं मन से हटते चले आना। तुम स्वयं माइंड के साथ लगे हो ड्यू टू इग्नोरेंस, अज्ञानवश आप स्वयं माइंड से, विचारों की गति से हटते चले आना और मन के विचारों के खेल को जागे जागे देखते रहना। साक्षी दृष्टा कर्ता होकर के मन के तमाम कर्तापन को देखते रहना। जो जो हटोगे त्यों त्यों हार्दिक होते जाओगे, त्यों त्यों तुम मन से स्वतंत्र होते चले जाओगे, और ये स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता है। सावधान रहना, अपनी स्वतंत्रता मन से शीघ्र अति शीघ्र उपलब्ध करना। अल्टीमेट फ्रीडम फ्रॉम माइंड विल हेल्प यू टू बी विराट इन दिस वरी लाइफ। बनके मेरा हम कदम, तू साथ चल। प्रभु बाहर तो खूब चले हो, कोई कमी नहीं छोड़ा तो नहीं, थोड़ा भीतर भी अपनी कृपा करुणा बरसा देना। जहां तुम पूजनीय वंदनीय हो, वहां आकाश हो, वहां सूर्य हो, दिलों की धड़कन हो, दिलों पर साम्राज्य राज्य करता हो, वहां थोड़ा सा दोस्त मित्र सहयोगी भी बन जाना।
अंगुली पकड़ करके चलना, मेरी मेरा बाजू ले लेना, अपने बाजू में ले लेना। उस भीतर की अज्ञात यात्रा पर मेरे यार, मेरे मित्र हो जाना, मेरे सहयोगी हो जाना। अगर आप ऊंचे ऊंचे रहोगे तो यात्रा सफल नहीं होगी, अगर मेरे साथ साथ रहोगे कदम दर कदम, मेरे सच्चे मित्र, सच्चे दोस्त, सच्चे सहयोगी होगी रहोगे तो मेरा भीतर भयभीत नहीं होगा, भय नहीं होगा। ऐसा कदम साथ साथ चलने वाला प्रेममय हो जाएगा, मेरे सारे भय दूर हो जाएंगे, सब प्रकार की झिझक, हेजिटेशन, भय, फियर, पैनिक सब दूर हो जाएगा। कोई डिफरेंस, कोई भेद तनिक मात्र नहीं रहेगा जब आप मेरे साथ साथ मुर्शिद, ओ प्यारे साहिबा, बनके मेरा हम कदम तो साथ चल, इसीलिए तेरा एहसान भुलाया नहीं जा सकता। तेरी करुणा, तेरी कृपा में बहुत परम घटना घटित होती है। तू अपने शिखरों से उतर करके हमारे कदमों पर आता है। ये तेरी करुणा कम नहीं, जिसकी कीमत जन्मों जन्मों तक भी चुकाई नहीं जा सकती। ये तेरी करुणा, ये तेरी कंपैशन, ये तेरी दया, अनुकंपा का महान भंडार अपने शिखर छोड़ करके तो मेरे कदमों पर उतरता है, मेरे कदम के साथ कदम मिलाने के लिए धरती पर पुनः, अर्थात खाई में उतरते हैं और वहीं से चलते हैं और चलाते चले जाते हैं। ये करुणा की बरसात, रहमत की बरसात कोई कम नहीं। जिसके लिए मैं निरंतर कृतज्ञ हूं, कृतज्ञ हूं तेरी इस महान अनुपम कृपा के प्रति। हर कदम इस तरह से चले जाती है कि कोई कॉम्प्लेक्स नहीं आने देते। गुरु कृपा में सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि वो यार, मित्र, दोस्त, सहयोगी बनकर के जब चलता है, अपने जैसा होकर के साथ साथ चलता है तो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं आने देता। कॉम्प्लेक्स में पड़ा हुआ प्यासा सारी प्यास खो बैठता, भयभीत रहता है, गिल्ट पैदा कर लेता, गिल्टी कॉन्शियस होता, कहीं भी रुक जाए प्यास खत्म कर बैठता। साथ साथ चलना मुर्शिद का, साथ साथ चलाए चलना उसका, ये उसकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। जो काम परमात्मा नहीं करता वो स्पिरिचुअल मास्टर करता है, हालांकि वो भी परमात्मा में, परमात्मा से, परमात्मा द्वारा ही होता है, परंतु साकार रूप है वह उस निराकार का, जिसके साथ साथ रहते, चलते, बैठते, उठते हम एक यारी पिरो लेते हैं।
जहां प्रेम का एकमात्र रिश्ता है, प्रेम की रीत निभाने में उतर जाती है, जहां प्रेम ही प्रेम बरसता है, उसकी करुणा उसकी कठोरता में प्रेम ही प्रेम, प्रेम से सींचता चला जाता है वो और एक दिन प्रेम स्वरूप बना देता है, जहां कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रहने देता। आत्मिक तल पर वो एकत्व की स्थिति में उतारता चला जाता है। यही उसका एकमात्र चमत्कार है, जीवन निर्माता एकमात्र सुधार है। मानव जीवन को सफल बनाने में उसका एकमात्र द्वार ही महत्वपूर्ण है। उसका साथ साथ, उसकी ग्रेस का साथ साथ, उसकी करुणा की बरसात साथ साथ होती चली जाती है। जो उसके ओर उन्मुख रहते हैं, जो उसकी ओर बहते हैं, जो उसकी ओर मुख उठा करके चलते हैं, वो ही अनुभव कर पाए। बेमुख इंसान कभी भी अनुभव नहीं कर सकता, वो तो पात्र उल्टा लेकर के चलता है। बरसात कितनी भी हो, उसके पात्र में नहीं उतर सकती। उन्मुखता संसार के प्रति संसार की प्राप्ति कराती है, उन्मुखता आत्मा के प्रति, सत्य के प्रति, स्वयं के प्रति जीवन का सूर्य उदय कर देती है, अमृत वर्षा देती है, इमॉर्टल कर देती है, परमात्म स्वरूप कर देती है। वो दुनिया बनाने वाले को अपने श्वासों में पिरो लेती है जिंदगी, जो उसकी ओर उन्मुख होती है। वही उस ग्रेस को, उसकी करुणा को, कृपा को, उसकी अनुकंपा को, उसकी रहमत को अनुभव करती है। वो सीपी की तरह मोती बनकर के अपने पास रखती है। बनके मेरा हम कदम, एक बात प्रार्थना है हार्दिक हृदय से उठी हुई पुकार है, बनके मेरा हम कदम तो साथ चल। कुछ तो हो कठिनाई कम तो सा, कुछ तो हो कठिनाई कम तो साथ चल, कुछ तो हो तन्हाई कम तो साथ चल। तेरे दर की ओर कदम उठते ही सारा संसार पराया सा हो जाता है, सारा संसार दाएं बाएं का साथ छोड़ देता है,
सब सहारे छूट जाते हैं, एक कदम तेरी ओर क्या उठता है कि सब पराए होने लगता है। उस स्थिति में तन्हाई तेरे को पुकारती है, एक तो ही सहारा रह जाता है, एक तो एक बात तेरी ओर ये नजर उड़ती चली जाती है, एकमात्र तुझ में सहारा ढूंढती है। इसलिए बार बार मेरी यही अरदास है, मैं कहीं भटक ना जाऊं, मैं कहीं उस कठिनाई में तन्हाई में पुनः वापस संसार की ओर ना लौट जाऊं। ये एडवेंचर, ये जोखिम, ये जंप लगाया जब जब तेरे प्यासों ने, तेरे प्यारों ने, ओ मालिक तुम उन कदमों पर साथ साथ चले हो, तुम ही सहारा हो। मेरी जिंदगी की पुकार भी यही एकमात्र तुझ में उतरी है। इन अज्ञात राहों पर कदम रखते ही कोई सहारा नहीं बनता, कोई साथ नहीं देता, सब अपने अपने स्वार्थ हेतु अपने अपने सुख को ढूंढते हैं मुझ में। अगर मैं उनके योग्य हूं तो वो अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, अगर उनके अनुसार चलूं, उनकी सुविधा बनूं, तो वो मेरा जीवन लूट लेते हैं। मुझे अंधेरों में, अंधकारों में फेंक देते हैं, जहां वो स्वयं पल प्रतिपल खत्म हो रहा है उसी में मुझे भी धकेल देते हैं। सारी की सारी दिशाविहीन जिंदगी राग के ढेर होकर के चली जाती है, इसलिए तेरी अज्ञात राहों पर उठे हुए कदमों में एकमात्र तेरा सहारा है। संभाल लेना, तनिक मात्र भी भय खटका मेरे भीतर न रहने देना। एक प्रेम प्यार मोहब्बत की डोरी में, प्रेम की रीत में उतारते चले जाना, इतने साथ साथ रहना कि मैं जरा सा भी तेरे से कछु छिपा के ना रखो। मेरा हृदय, मेरा दिल तेरी ओर खुले, किसी और के पास नहीं। तेरे साथ नाता जोड़ा, तेरे साथ रिश्ता जोड़ा, तेरा एकमात्र सहारा ढूंढा, तेरे प्रति दिल खुले मेरा, मेरे दिल की किताब किसी और के सामने ना खुले। मेरे भीतर की तिजोरी तेरे लिए खुले, इतना मेरे अपने आप में उतर जाना, इतना मेरा हो जाना, इतना निकट समीप नहीं बल्कि मेरे अंतर्गत हो जाना, इस बूंद में ऐसा अगर तू स्वयं समा जाना। बूंद तो सागर में समाने के अंदर सक्षम आई है, अगर तू चाहे तो बूंद में उतर सकता है, तू क्षुद्र को विराट बनाने में अपने आप को उड़ेल सकता है। वो तेरी सक्षमता है, वो तेरी अपनी अपरंपार शक्ति है। मैं बहुत तुच्छ हूं, बहुत क्षुद्र हूं, मैं बूंद बहुत सीमित हूं, कहीं भी लुट सकती हूं, परंतु अगर तू उतरने पर आए तो मैं भी सक्षम हो सकती हूं।
तनिक मात्र भी भय ना रहे मुझ में, मेरी कोई ऐसी करनी ना हो जो मैं भयभीत रहूं तुझसे, मेरी कोई ऐसी करनी, कोई सोच, कोई ऐसी दाएं बाएं की कोई ऐसी सोच ना हो जो मुझको तेरे से दूर करती चली जाए, मुझे भयभीत करती चली जाए। तेरे में भय नहीं, तू प्रेम स्वरूप है, तेरा तो स्वरूप ही प्रेम है। भय मुझ में इसलिए है कि मेरी अपनी करनी सही नहीं, मेरी अपनी दिशा सही नहीं, मेरी अपनी सोच सही नहीं। कृपा करके उस सारी की सारी गलत दिशा को, गलत सोच को, निकाल देना सदा के लिए। मुझे अपना इतना बना लेना कि मेरे भीतर कोई अंधेरा ना बचे गलत सोच का, भटकाव का। मेरा भयभीत होना मेरी अपनी करनी के कारण है। मैंने तुझे पीट दिया, मैंने तुझसे अधिक महत्व अपनी इच्छा कामना को दिया, मैंने तेरे से हट करके जो किया वही मेरे भय का कारण बना, उसको दूर करने में तू ही एकमात्र कृपा रूप प्रेममय होकर के सच्चा सहयोगी मित्र यार बनकर के चला, मेरा हम सफर हम दम होकर के जब तक नहीं चलोगे मेरे प्रभु, मैं इंतजार करूंगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। इसीलिए प्रार्थना करता है दीवाना, एक यही अंतिम पुकार है उसकी, सफल जन्मों जन्म का है अगर ये सफल जन्मों जन्म का है अगर सफल जन्मों जन्म का है अगर मेरी प्यास कहती है हरे जन्म तो साथ चले, मेरी प्यास कहती है हरे जन्म तू साथ चल, तू साथ चल, तू साथ चल, उस ओर ले चल हम नुमा जहां हम दोनों एक हों।